अजमेर के एक क्लॉक टावर थाना क्षेत्र में विदेशी युवती के साथ हुई लूट की वारदात का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए दो आरोपियों को इसमें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों से लूट का सामान भी बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक दोनों आरोपी बुधवार को रेलवे स्टेशन के पास विदेशी युवती का पर्स छीनकर फरार हुए थे, जिसके बाद पीड़िता की मामला दर्ज करवाने के बाद पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई। दोनों युवक अजमेर के रहने वाले तस्वीर और भरत हैं और दोनों नशे के आदि बताए जा रहे हैं। कल दिनांक 24 अक्टूबर को सुबह तड़के एक विदेशी महिला का रेलवे स्टेशन के बाहर दो बाइक सवारों ने पर्स छीन लिया और लेके भाग गए थे। पर्स छीनने की घटना अपने आप में गंभीर घटना है और किसी विदेशी के साथ इस तरह की घटना हो तो और भी ज़्यादा उसकी गंभीरता बढ़ती है। पुलिस ने अपनी त्वरित कार्रवाई की, मौके पर तुरंत पहुँचे और जो भी तकनीकी सहायता MOB का रिकॉर्ड उसके आधार पर स्पेशल टीम और थाने की टीम दोनों ने त्वरित प्रयास किया, अथक प्रयास किया और बहुत अच्छी तरह से कार्रवाई करते हुए एक ही रात के अंदर न केवल पूरा माल रिकवर किया बल्कि मुलजिमानों को भी अरेस्ट कर लिया और उनके द्वारा प्रयुक्त वाहन को